एक ऐसा वाउचर जिसमें हम काम कर लें, अपना ट्रांजेक्शन कर लें और उसका मेन बैलेंस पे कोई अफेक्ट ना पड़े। जैसे क्या, कोई कोई बंदे को सामान मंगाने के लिए आप मार्केट भेजते हो, मान लो एक कंपनी आपकी है, आप एक बंदे को 1,000 रुपये देते हो कि आप जाओ सामान लो, आप श्योर नहीं हो कि वो पैसा, उस पैसे से कितने का सामान मिलेगा। हो सकता है वो 600 का मिले, हो सकता है वो 400 का मिले, आपको ये पता नहीं है कि वो कितने का मिलेगा। सो इस केस में क्या होता है कि आप उनको पैसा दे दिए वो, और उस चीज़ की एंट्री आप अपने टैली में कैसे कर लेते हो, ठीक है। सो कहते हैं अटकाना, एक हिंदी का वर्ड है अटकाना, कि आप उस चीज़ को ऐसे अटका दो और जब आपका सेवन हो जाए तो फिर उसको आप ओरिजिनल बाउचर में कन्वर्ट कर दो, फिर वो बैलेंस मेन बैलेंस में जुड़ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हम कहीं भी लिख सकते हैं ना, लिखना चाहें तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन हम उसको हम टैली में कैसे मेंशन करते हैं उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। होता क्या है कि कंपनी में जब हम काम करते हैं तो डेली बाय डेली अगर कोई एडवांस पैसा ले लिया, उस केस में भी उस पैसे को हम कहीं लिखना चाहते हैं टैली में, तो उस चीज़ को हम मेमोरेंडम वाउचर के अंतर्गत फीड करते हैं। और मेमोरेंडम वाउचर का एक और चीज़ ख्याल रखना होता है कि जब आप कंपनी का जो एंडिंग मतलब शाम होता है, जब आपको घर जाना होता है, तो उस टाइम आप एंट्री चेक करते हो कि कौन कौन सा वाउचर पैसा कहाँ, आप जब टैली करते हो पैसा का, ये पूरा पैसा मेन बैलेंस में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और हार्ड कॉपी में मेंशन करके देखते हो, तो उस टाइम आपका पैसा ना दिखे तो आप कुछ पैसे के लिए आप वहाँ चेक कर सकते हो मेमोरेंडम वाउचर में, हो सकता है पैसा आपका वहाँ भी हो। तो मान लो जब वो पैसा वो 1,000 रुपये लेके गया था बंदा और वो सामान मिला उसको 800 रुपये का, ठीक है, तो आपने क्या किया था, फिलहाल यहाँ पे मेमोरेंडम के नाम से उस व्यक्ति का, या अगर ऑफिस एक्सपेंस के लिए आपने पैसा दिया था, वो आप 1,000 रुपये मेमोरेंडम वाउचर के अंतर्गत आपने ऐड कर लिया। जब वो पैसा आपके पास, मान लीजिए 800 रुपये का सामान मिला और 200 रुपये आपको वो वापस दे दिया, तो आप 800 रुपये को ऑफिस एक्सपेंस में रखेंगे, ठीक है, 200 रुपया तो आपके पास मिल गया, तो जैसे ही आप उस चीज़ को ऑफिस एक्सपेंस में रखेंगे और उसको एक्सपेंस वाले में ऐड करेंगे, आपका जनरल वाउचर से वो, सॉरी, वो मेमोरेंडम वाउचर से हट करके मेन बैलेंस में जुड़ जाएगा। तो इसके लिए मैं कुछ दिखा दूँ आपको, यहाँ लिखा हुआ है मेमोरेंडम वाउचर इज अ वाउचर इन विच यू रिकॉर्ड एंट्री और विच यू आर नॉट श्योर वेदर दे आर गोइंग टू अक्यूर, एंड इफ दे आर गोइंग टू अक्यूर दे बाई हाउ मच अमाउंट। अ मैन फीचर और मेमोरेंडम वाउचर इज दैट नॉट अफेक्ट योर अकाउंट अनलेस यू कन्वर्ट ए टू अ जनरल वाउचर। देखो इसको हिंदी में समझना हो तो बहुत आसान है, समझ सकते हैं, लिखा कि एक ऐसा वाउचर जिसमें आप अपना जो आपकी एंट्रीज होती है उसको रिकॉर्ड करते हो, जिसमें आप सुनिश्चित नहीं होते हो कि वो उतने का अमाउंट का आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, और फिर जब आपको मालूम चल जाता है तो आप उस चीज़ को अपने सामान्य वाउचर में भी कन्वर्ट कर पाते हो। अब इसके लिए हम वापस जाते हैं टैली पे। देखो यहाँ पे हमारे पास KIT का मैन्युफैक्चर सॉल्यूशन है, इसमें मैं कुछ दिखा दूँ आपके पास, हमारे पास यहाँ पे बैलेंस शीट पड़ी हुई है, ऑलरेडी हमारे पास टोटल कुछ अमाउंट दिख रहा होगा यहाँ पे, 13,08,800 रुपये का, ये तो हमारे पास ऑलरेडी पैसा यहाँ पर है। अभी इसी बीच हमें ज़रूरत पड़ा मेमोरेंडम वाउचर यूज़ करने के लिए, किसी व्यक्ति को पैसा देना है, ठीक है, एडवांस भी कह सकते हैं इसको, तो इस चीज़ को हमें करना होगा, F11 प्रेस करना होगा और F1 प्रेस करना होगा। यहाँ पर हमें लिखा होगा बजट एंड सिनेरियो मैनेजमेंट, सो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा यूज़ रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर, सो इसको हम यस करेंगे और इंटरफेस करके इसको सेव कर लेंगे। बैक जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर में चले आएंगे, यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा, देखो यहाँ पे शो कर रहा है F10, यानी कौन सा मेमो, मेमो वाउचर, इसको वो मेमोज भी बोलते हैं और जी मेमोरेंडम भी बोलते हैं, सो इसको हम ओपन कर लेते हैं, सॉरी, इसको ओपन करने का तरीका है कंट्रोल के साथ F10, सॉरी यहाँ पे देख लेना, कंट्रोल के साथ F10 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CTRL,
कंट्रोल प्लस F10 है। ओके सो इसको ओपन करते हैं। देखो ये जो मेमोरेंडम वाउचर दिख रहा है, मान लो आपके कंपनी में एक व्यक्ति काम करता है, उसका नाम है V1। तो Alt के साथ C प्रेस करो, V1 को पैसा आपने दे दिया, या ऐसा करो V1 को नहीं, आपने आपकी कंपनी है, आप ऑफिस एक्सपेंस के लिए पैसा दे रहे हो, तो Alt के साथ C प्रेस कर लो। आपने लिखा ऑफिस एक्सपेंस, सिंपल सा ऑफिस एक्सपेंसेस, इसको आप इनडायरेक्ट तरीके से यूज़ करोगे, अगर डायरेक्ट होगा तो इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे, इनडायरेक्ट तरीके से भी यूज़ करो तो इनडायरेक्ट इस पर यूज़ करिएगा। सेव करिए, और आपने अमाउंट दिया था 1000 रुपये, कैश दिया था तो आप कैश ऐड कर लो, इसको आप सेव करो, लिख दो यहाँ पे बीइंग ऑफिस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस गिविंग कैश कैश वी वांट, इसको आप सेव कर लो। देखो ये सेव हो चुका है हमारे पास। अब हम वापस आते हैं, इसको आप देखना चाहते हो अकाउंटिंग इन्फो में चले जाओ, यहाँ पे सिनेरियो लिखा होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे नहीं जाना हमें, हमें जाना है डिस्प्ले पे, और यहाँ पे अकाउंट्स बुक ले जाएंगे, यहाँ पे हम लेज़र पे जाएंगे, और लेज़र पे जा करके हम ऑफिस एक्सपेंस चेक करते हैं कि कुछ है। देखो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक्सपेंस नहीं दिख रहा है, कोई बैलेंस नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास देखो 8 लाख रुपये, और मैं पिछले सेशन मैंने बताया था मैन्युफैक्चरिंग में, तो 8 लाख रुपये वहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है, और ओके देखो मेन पर्पज होता है कि आप डिस्प्ले पे चले जाओ और यहाँ पे अकाउंट बुक्स में जाओ, और लेज़र जितने होंगे ना लेज़र पे क्लिक करो आप, और यहाँ से आप देख सकते हो अगर आप रियल में कुछ अगर खर्च किए हो तो आप देख सकते हो महिंद्रा टेक के साथ यहाँ पे काम हुआ है तो उसका अमाउंट दिख रहा है, और एक्स्ट्रा एक्सपेंस था सॉरी यहाँ पे नहीं कैरिज एक्सपेंस आपको दिख रहा है, वेजेस होगा तो वेजेस सॉरी यहाँ पे हो चुका है, टेक के बारे में दिख रहा है, सेल के बारे में दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ नहीं दिख रहा होगा ऑफिस एक्सपेंस, ठीक है। तो होता क्या है कि मेन बैलेंस पे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब इस चीज़ को हमें क्या करना होगा, अगर पैसा जब शाम को आप टैली करोगे कि पैसा कहाँ गया, तो उस केस में आपको देखना भी पड़ेगा बैलेंस कहाँ है, तो आप डिस्प्ले पे जाइएगा, डिस्प्ले पे जा करके देखो आप डिस्प्ले पे जाओ, यहाँ लिखा हुआ एक्सेप्शन रिपोर्ट, और यहाँ चले जाओ मेमोरेंडम वाउचर, मेमोरेंडम वाउचर में हम देख सकते हैं एक एंट्री दिख रही है यहाँ पर, और ये दिख रहा है हमें वाउचर टाइप हमारे पास मेमोरेंडम है 1000 रुपये है, इंटरप्रेस करेंगे। देखो अब इस इसको ना हमें मालूम चल गया कि 700 रुपये या 800 रुपये जो खर्च हुआ है वो मालूम चल जाए, तो मान लो कि 800 रुपये का सामान था, तो इस इसको आप F5 प्रेस करके कन्वर्ट कर दो कि ऑफिस एक्सपेंस के लिए आपने खर्च किया, ये मान लो 700 रुपये आपने खर्च किया, ठीक है, इसको आप सेव कर लो, इंटर करके सेव कर लो। अब देखो यहाँ पर एक्सेप्शन रिपोर्ट, वापस जाओ मेमोरेंडम वाउचर, अब यहाँ पे कोई एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है, और अब वापस चले जाओ लिस्ट ऑफ अकाउंट सॉरी डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेज़र सेलेक्ट करो आप ऑफिस एक्सपेंस, तो आपको यहाँ पर वो पैसा दिखेगा, ठीक है। ये रहा वीडियो का एंड, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा